थाना गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत आबकारी विभाग को एक सफलता हाथ लगी, जिसमें गोवर्धन डीग रोड पर स्थित महदार कुंड के पास एक व्यक्ति को अवैध शराब की 90 बोतलों के साथ पकड़ा गया। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने गोवर्धन क्षेत्र के मेदार कुंड से अलीगढ़ निवासी प्रदीप को 90 बोतलों के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया और पकड़कर उसके कब्जे से शराब की 90 बोतलें बरामद की, जिसमें आगे की कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमार कार्यवाही में एक व्यक्ति को पकड़ा है, जो कि अलीगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है और मथुरा के ग्रामीण देहात इलाकों में अवैध रूप से शराब बेचने के लिए हरियाणा से तस्करी कर शराब को बोरों में भरकर लेकर आया था, जिसको पकड़कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। जी सर, क्या मामला था अभी? आज डींग रोड गोवर्धन डींग रोड पर मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो है अवैध शराब की बोरियों में भर करके कहीं ले जाने वाला है, बेचने का प्रयास करने वाला है। उसकी सूचना पर वहां पर दबिश दी गई तो एक व्यक्ति वहां पर शराब के साथ गिरफ्तार हुआ। जी सर, ये बताएंगे कि शराब कहां से कहां के लिए ले जा रहा था? इसे पूछा गया, इसने बताया कि शराब हम हरियाणा राज्य से लेकर के आते हैं और मथुरा के देहाती इलाकों में, गांव के इलाकों में इसको महंगे रेट पर बेच के अपना मुनाफा कमाते हैं। पता लगा है कि ये कहाँ का व्यक्ति है ये जो पकड़ा गया? हाँ, ये रहने वाला है अकराबाद अलीगढ़ का रहने वाला है जी। और ये शराब का काम करता है, वह शराब बेचने का काम करता है। कितने व्यक्ति थे ये लोग? ये अकेले थे और कोई नहीं था इनके साथ? नहीं, कुल 90 बोतलें थी और इम्पैक्ट ब्रांड की हरियाणा मार्का शराब थी। घटना कहाँ थी ये? मदार कुंड के पास में थी, गोवर्धन डींग रोड। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।